हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बॉटनेक पे उल्टी कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं और इसे हम 34 साइज का बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मेन कपड़ा है और ये हमारी लाइनिंग है फ्रेंड्स, और इस पर हम अलग से जो डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए हमने अलग कलर का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपने लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। तो लाइनिंग को देखिए, टू फोल्ड करके इस तरह रखना है फ्रेंड्स। ओपन साइड हमने अपनी ओर रखा है। बैक पार्ट की कटिंग सबसे पहले करेंगे, बैक ओपन ब्लाउज बनाएंगे इसको हम। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे से एक लाइन मार के कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हुकाई के लिए हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ से अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे। ब्लाउज की लेंथ यहाँ पर 14 इंच है फ्रेंड्स। 1 इंच मान कर प्लस करके हमने 15 इंच ले लिया है। इसे हम बोट नेक पर बनाएंगे। तो देखिए, 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर 7 इंच लिया है। आर्म होल यहाँ पे फ्रेंड्स हम 6.5 इंच लेंगे। आप 7 इंच भी ले सकते हैं, जैसा आपका स्लीव राउंड हो। स्लीव राउंड मोटा पतला होता है फ्रेंड्स, सबका एक बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच का आर्म होल ले लिया है। 7 इंच पे भी मार्किंग कर लेंगे, अगर हमारा छोटा पड़ेगा तो हम कटिंग सिलाई करते समय नाप करके इसको बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से करके हमने चेस्ट का चौथाई ले लेना है, 8.5 इंच, 2 इंच मान कर रखेंगे। और इस तरह से देखिए, आर्म होल का शेप दे देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, कमर का चौथाई लेंगे। कमर हमारी 28 है, तो हमने 7 इंच ले लिया है। 1 इंच टक्स के ले लेंगे फ्रेंड्स, और 2 इंच मार्जिन कर लेके इस तरह से फिटिंग और कटिंग की लाइन को मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमारी कमर है इसको हम हाफ करेंगे टक्स लगाने के लिए, और बैक की टक्स हम 1/2 इंच की लगाते हैं। ये देखिए, तो हमने 1/2 इंच की टक्स लगाई फ्रेंड। तो 1/2 इंच देखिए, इस तरह से इसको यहाँ पर उठाएंगे। ऐसा करने से हमारे आर्म होल के पास झोल नहीं आता है। अब देखिए फ्रेंड, गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर 4 इंच ले लेनी है। आप 3.5-4 अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसके लिए हम देखिए फ्रेंड, हमने 11 इंच ली है। इसे हम बोट नेक बनाएंगे, फ्रंट बैक दोनों बोट नेक रहेगा। तो यहाँ पे हम गले की मार्किंग अभी नहीं करेंगे फ्रेंड। देखिए, यहाँ पे शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन करेंगे आर्म होल की साइड। बोट नेक पे हम आर्म होल की साइड डाउन करते हैं फ्रेंड, डीप नेक पे गले की साइड करते हैं। और यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, तैयार पे कट लगा लेते हैं। अभी हमने जो शोल्डर डाउन किया फ्रेंड और ये यहाँ पर उठाया, इसको कट नहीं करेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो हुकाई के लिए मार्जिन लिया था उसको फोल्ड कर दिया है फ्रेंड्स। और देखिए, लेंथ में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस ब्लाउज में हम लेंथ को 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है फ्रेंड्स, जिसे हम उल्टी कटोरी भी कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से करके हमने अपने बैक पार्ट को स्टिच उतार लेना है। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर उठाया था उसको कट कर लेंगे। शोल्डर जो हमने डाउन किया था उसको भी कट कर लेंगे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के बाद। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अपने बैक पार्ट को हमने हटा लेना है फ्रेंड्स। शोल्डर नाप लेते हैं, जहाँ से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिखेगा वहाँ पे हमें देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। हमने शोल्डर 7 इंच लेना है, आर्म होल 6.5 इंच लेना है फ्रेंड्स, जैसे हमने बैक पार्ट में लिया था। और देखिए, इसमें हमारा शोल्डर ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो हम 1/2 इंच अंदर की साइड लेके आर्म होल की गहराई देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 1/2 इंच अंदर लिया है फ्रेंड। 1/2 इंच, 1/2 इंच या 1 इंच तक आप ले सकते हैं, जैसा आपका शोल्डर हो फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पे गले की चौड़ाई 4 इंच लेनी है। लंबाई यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे फ्रेंड्स। और बोट नेक का शेप दे देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, टक्स की हम लेंथ लेंगे। टक्स की लेंथ हमारी 10 इंच पर आएगी इस तरह से। और टक्स की चौड़ाई जो लेंगे हम, चेस्ट का 10वां लेते हैं फ्रेंड, इस तरह से 3.5 इंच ले लेना है। नीचे की साइड देखिए, हमने 3 इंच लिया है, और इस तरह से इसको मिला देना है। अब इसमें हम फ्रेंड 2 इंच की डॉट लगाएंगे। तो देखिए, 2 इंच इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच पे सीधी लाइन खींचेंगे, और देखिए इस तरह से टक्स का हम शेप देंगे। और इस शेप को देखिए फ्रेंड, इस तरह से करके हम आर्म होल के पास ला के मिलाएंगे। इस तरह से देखिए, हमारी कटोरी, हमारा जो ब्लाउज बनेगा उल्टी कटोरी का साइज बनता है, यानी कि प्रिंसेस कट ब्लाउज है फ्रेंड्स। और देखिए, जितना हमने इसमें टक्स लगाया फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े को बढ़ा लेते हैं। तो हमने 2 इंच की टक्स लगाई है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा लेना है। और देखिए, चेस्ट के पास हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने बैक पार्ट को इस तरह से रख के मार्क कर लेंगे, ताकि हमारा बैक और फ्रंट दोनों बराबर साइज सिलाई करते समय छोटा बड़ा ना पड़े। अब यहाँ पे देखिए, बैक हम सारे पार्ट की मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। कट लगा लेते हैं फ्रेंड। कट लगाने से हम सिलाई करते समय आसानी रहती है। अब देखिए, गले को भी कट कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है फ्रंट और बैक की। अब मेन कपड़े पे भी दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा है और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आगे की साइड इसे ओपन रखा है, यहाँ पे अपने बैक पार्ट को रखेंगे, बैक पार्ट ओपन है और इस तरह से सारे पार्ट को रख के कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जहाँ से हमने कटोरी को कट किया है वहीं से इतना कपड़ा बचा है तो हमारी स्लीव इसमें आ जाएगी, तो स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव के लिए हमने जितना चेस्ट होता है चौथाई लेना होता है 8.5 इंच हमने लिया है फ्रेंड्स। देखिए हमारे स्लीव की लेंथ 3.5 इंच है, 1 इंच मार्जिन कपड़ा सकते हैं, 4.5 इंच लेंथ में ले लिया है, लंबाई हमने 4.5 इंच ली है, चौड़ाई 8.5 इंच ली है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे 2.5 इंच इस तरह से कम करते हैं छोटी स्लीव में। अब देखिए फ्रेंड्स जितना हमारा स्लीव राउंड होता है नाप लेंगे, हमारा स्लीव राउंड 5.6 इंच है, 5.75 इंच। और यहाँ पे देखिए 1 इंच हम उससे ज़्यादा लेते हैं फ्रेंड्स, 6.75 इंच लेंगे, जितना हमारा स्लीव राउंड होता है उससे 1 इंच ज़्यादा यहाँ पे लेंगे और यहीं से इसमें हम स्लीव की शेप दे देते हैं। आप इस शेप को सीधा भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे अच्छा भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने कटिंग और फिटिंग के लाइन को मार्क कर लेना है, दूसरी स्लीव भी देखिए इस तरह से रख के कट कर लेंगे फ्रेंड, ताकि हमारा दोनों स्लीव का डिज़ाइन एक समान रहे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ये पार्ट कटा है 70 सेंटीमीटर के कपड़े में पूरा पार्ट हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से हम कपड़े को कट करेंगे तो हमारा कपड़ा सेप बच जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो हमारा पार्ट सामने की साइड आएगा उसमें हम गहराई दे देंगे 1/2 इंच की। तो इस तरह से हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अपने बैक पार्ट को ले लेते हैं, इसी बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम इस पर जो डिज़ाइन कट करेंगे उसको मार्क करेंगे। देखिए हमने पेपर ले लेना है फ्रेंड्स, पेपर को हमने डबल फोल्ड करके रखा है और इस पर देखिए हमने बैक पार्ट को इस तरह से उतार लेंगे। हुक आई के मार्जिन को हम पहले फोल्ड कर देंगे फ्रेंड्स, हुक आई के मार्जिन को इसमें नहीं ऐड करना है। और देखिए इस तरह से करके हमने नीचे सीधी लाइन को मार्क किया है, फिर बैक पार्ट को उतार लेना है। देखिए फ्रेंड्स शोल्डर को हम नाप लेते हैं ताकि हमारा शोल्डर ज़्यादा ना हो, यहाँ पे इतना ज़्यादा लग रहा था फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 इंच का हमने गला लिया था, 4 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। 3.5 इंच हमने गले की लंबाई, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में गले को मार्क किया था सेम उस तरह से हम इस वाले पार्ट पे भी मार्क करेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इस गले को उतार लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए पेपर को कट कर लेंगे और देखिए फ्रेंड्स पेपर को हम 3 इंच एक्स्ट्रा लंबा लेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा पेपर लंबाई में ले लिया है और जैसा हमारा बैक पार्ट फ्रेंड्स उस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 इंच की मार्किंग कर लेनी है जो हमने प्रिंसेस कट के पार्ट को कट किया था। और ये देखिए गले पे हम यहाँ तक इस तरह से शेप को ले आएंगे और इस शेप में लाते हुए इस डिजाइन को कट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से मार्क करेंगे डिजाइन को, यहाँ पे देखिए 2 इंच ऊपर लेना है जो हमने जहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट का सेंटर है, ये देखिए, और इस तरह से ला के इस पर यहाँ पर मिलाना है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ से हमने सीधा रखना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दूसरी साइड हम 3 इंच ऊपर लेंगे, यहाँ पे हमने 3 इंच ऊपर लेना है और देखिए इस शेप में ला के मिलाना है। देखिए यहाँ पे हम एक यूनिक सा शेप देंगे, ये देखिए मैं नीचे की साइड हमने इस तरह से शेप देना है। ये देखिए 2 इंच लंबा लेंगे इस लाइन को हम और इस शेप में ला के मिलाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा शेप गड़बड़ लग रहा है, सही नहीं लग रहा, तो हम शेप को इस तरह से बना लेते हैं, हमारा शेप अच्छे से बन के आना चाहिए। और देखिए हमने मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए इस वाले पार्ट को लेंगे तो यहाँ पे हमने 2 इंच ऊपर लेना है और इस तरह से इस शेप को ला के मिलाना है। ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड हमने पेपर पे इसकी कटिंग कर ली है। अब इस पार्ट को हम अपने अलग कलर के कपड़े और लाइनिंग पे कट करेंगे। देखिए इस तरह से रख के हमने ऐसे इसको कट करना है फ्रेंड, नीचे के साइड से 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और इस वाले पार्ट में हमको बिल्कुल मार्जिन नहीं देना है। देखिए यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली और देखिए यहाँ पर हमने नीचे के साइड 1/2 इंच का मार्जिन दे दिया है फ्रेंड्स। इस पार्ट की भी कटिंग हमने कर ली, इसमें हमने मार्जिन कहीं भी नहीं दिया है और देखिए सारे पार्ट की कटिंग हमने कम्प्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हमने देखिए अपने कटोरी वाले पार्ट की सिलाई करनी है, कटोरी वाले पार्ट के सेंटर की। तो इसमें हमने कपड़े को सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग रख लेनी है फ्रेंड्स। और देखिए गले की हम सिलाई करेंगे, गले को पलटना हमको। गले की सिलाई करके फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है, छोटे छोटे कट्स लगा के इसको हम पलट लेंगे।
ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से पलट लेना है। आप चाहे तो इस पर प्रेस चला सकते हैं फ्रेंड्स। हमने देखिए ऊपर से इस तरह सिलाई चला लेनी है। अब अगर आप प्रेस चलाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो सिलाई चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस तरह से हमने गले को पलट लिया है। अब चारों तरफ अच्छी सिलाई डाल के फ्रेंड्स एक साथ कपड़े को कट कर देंगे। लाइनिंग मेन कपड़े को बैठाने के लिए हम अच्छी सिलाई डालते हैं। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स अपने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को लेंगे, कटोरी वाले पार्ट को। और देखिए हमने कपड़े को उल्टी साइड से रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग को रख लेना है क्योंकि इसको हमने पलटना नहीं है फ्रेंड, बैठाना है सिर्फ कपड़े और लाइनिंग को। और देखिए इस तरह सिलाई करके चारों तरफ से बैठा लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब देखिए अपने सेंटर वाले पार्ट में इस कटोरी को ज्वाइंट करना है। देखिए फ्रेंड्स इसको हम नीचे से ज्वाइंट करते हैं ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा पड़े आर्म होल में हम कट कर देंगे। देखिए अच्छे से हमारी कटोरी इसमें बैठ जाती है। सिलाई को डबल कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए कितना परफेक्ट उभार आता है इस तरह से कटोरी कट करने पे, और परफेक्ट हमारी कटोरी बन के आती है फ्रेंड्स। देखिए दूसरी साइड भी हम इस तरह से बैठा लेंगे और जो आर्म होल के पास कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक कमर पे हम पट्टी लगा लेते हैं। इस तरह से हमें पट्टी को लगा लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। अपने डिजाइन वाले पार्ट को बनाएंगे। देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे लाइनिंग और कपड़े पे इसकी कटिंग कर ली है। और देखिए फ्रेंड्स अपना मेन पार्ट लेंगे, इस पर हम इसको रख के देखेंगे तो हमारा दाहिनी साइड ये वाला पार्ट आना चाहिए। इस तरह से रख के देख लेंगे ताकि हमारा उल्टा ना हो। और देखिए अब इस पर हम इसको हमने सीधी साइड से रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग रख लेनी है। और देखिए फ्रेंड गले की साइड और नीचे की साइड हम सिलाई कर लेंगे एक बार का मार्जिन लेते हुए। देखिए इस तरह से अब देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है उसको कट कर देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए किस नुकीली चीज़ से इसको पलट लेंगे फ्रेंड्स, तो आसानी से पलटा जाएगा। इस तरह से हमने अच्छे से पलट लेना है। कॉर्नर को हमने अच्छी तरह से निकाल लेना है फ्रेंड्स किसी नुकीली चीज़ से। और देखिए गले पे हम इस तरह से एक सिलाई ऊपर चला लेंगे ताकि हमारा गला फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। आप चाहे तो इस पर प्रेस लगा लें फ्रेंड्स, प्रेस लगाने से कोई सिलाई चलानी नहीं पड़ेगी। चारों तरफ कच्ची सिलाई डाल के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हमारा बन गया है। इस तरह दूसरा पार्ट भी हम बना के पलट लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को सीधी साइड से रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग रखनी है। और जहाँ पे हमारा मार्जिन है फ्रेंड्स वहाँ पर हम सिलाई छोड़ देंगे, बाकी चारों तरफ सिलाई करके इसको पलट लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा मार्जिन है, तो मार्जिन को हम यहाँ से छोड़ देंगे फ्रेंड्स। मार्जिन के जहाँ से हमारा मार्जिन वहाँ तक हम सिलाई नहीं करेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह कपड़े को कट करके। और देखिए इसको अच्छे से पलट लेंगे। इसके भी कॉर्नर को हमने अच्छे से निकाल देना है फ्रेंड्स। और देखिए ऊपर से एक सिलाई चला लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा दिखेगा उसमें हम कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए अपने कपड़े को मेन पार्ट को लेना है और इस तरह से शेप दे देना है फ्रेंड। आप चाहते हैं इस यहाँ के शेप को कट करके अलग भी कर सकते हैं, तो हमने देखिए इस कपड़े को अलग नहीं किया, बस शेप देखिए इस पर लेस लगा लेंगे। देखिए इस तरह से शेप देना है। और यहाँ पे देखिए पहले थोड़ी सी लेस लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमने शेप दिया है फ्रेंड्स, इस शेप को लेते हुए हम गले पे लेस लगा लेंगे। लेस की सिलाई को हम डबल कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमने जो जैकेट वाला पार्ट बनाया, यानी गोल्डन कलर के कपड़े का पार्ट बनाया है, उस पर लेस लगा लेंगे जहाँ तक हमने सिलाई करी है। देखिए इस तरह से शेप में हमने लेस लगा लेना है।
लेस की सिलाई को डबल कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दूसरे पार्ट पे भी लेस लगा लेनी है, सिर्फ मार्जिन वाले पार्ट को छोड़ देना है और बाकी चारों तरफ ने लेस लगा लेनी है। देखिए हमने दूसरे वाले पार्ट पे लेस लगा कंप्लीट कर लिया फ्रेंड। अपना मेन कपड़ा लेंगे और उस पर देखिए इस वाले पार्ट को रखेंगे गले से, गले को मिलाते हुए। और देखिए फ्रेंड, गले वाले पार्ट जहाँ पर जहाँ तक हमारा गला रहेगा वहाँ तक इसको हम इस तरह से टक कर लेंगे सिलाई से। बाकी का पार्ट हम ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ तक ही हमको टक करना है। अब देखिए तो हम इसको बराबर से रखते हुए फ्रेंड्स चारों तरफ से इसको अपने मेन कपड़े पे बैठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से शोल्डर से भी बैठाएंगे, आर्मोल से भी और साइड से भी। अब देखिए उसको उलट लेंगे फ्रेंड्स। में हमने गहराई नहीं दी थी, जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है उसको कट कर देंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड का पार्ट ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से करके हमने यहाँ पे फ्रिंसेस कट वाला पार्ट जहाँ पे है वहाँ उसी के सेंटर को मिलाते हुए इसको बराबर से रखेंगे। और देखिए इस तरह से इसको इसमें हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा देखिए उसको कट कर लेंगे थोड़ा बहुत। और देखिए दोनों पार्ट को यहाँ पे सेंटर पे लाके टक करेंगे जहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट ज्वाइंट हुआ है, कटोरी का पार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी पे हम एक बटन लगा देंगे बड़ी सी, आप चाहे तो फ्लावर बना के भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए बटन को हमने अच्छे से टक कर देना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। इसमें हम बैक पार्ट को बना लेंगे, शोल्डर ज्वाइन करके स्लीव लगा लेंगे और इस ब्लाउज को फिटिंग लगा के कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स, जैसे हमारे ब्लाउज को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।